Welcome to my channel, My Passion Teaching. This is Shikha Chandel. यहाँ पे हम मैथ्स क्लासेस ले रहे हैं 10th क्लास के लिए डेली. सो आज उसका दूसरा दिन है. कल हमने स्टार्ट किया था इक्वल डिवीजन लेमन से. होप आपको वो समझ आ गया होगा. आज हम उसको आगे कंटिन्यू करते हुए फर्स्ट एक्सरसाइज लेंगे आपकी, दैट इज 1.1. फर्स्ट एक्सरसाइज में आपका क्वेश्चन नंबर 1 है, यूज इक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम टू फाइंड द एचसीएफ ऑफ सम 3 पार्ट्स. आपके पास यहाँ पे दिए गए हैं, तो आपको जैसे कल बताया है कैसे कैसे इसको इक्लिड डिवीजन लेमा हम यूज करते हैं, कैसे उसका एचसीएफ फाइंड आउट होता है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम स्टार्ट करेंगे फर्स्ट क्वेश्चन से, दैट इज 135 एंड 225. दिस इज अवर फर्स्ट क्वेश्चन. हमारा फर्स्ट स्टेप है टू फाइंड एच सी एफ, दैट इज इनमें से हमें देखना है पहले कि कौन सी टर्म जो है आपके पास बड़ी है. तो ऑब्वियसली 225 इज बिगर देन 135. फर्स्ट स्टेप हमने देख लिया. तो अब ये जो आपका जो इसमें ग्रेटर है ये आपका बनता है डिविडेंड और ये है हमारा डिवीजर. नाउ सॉल्यूशन हम स्टार्ट करेंगे इस क्वेश्चन का. फर्स्ट स्टेप हमने ये देख लिया, आपका ये डिविडेंड हमें पता लग गया, डिविजर हमें पता लग गया. हमने इसको सिस्टमेटिकली सॉल्व करना है तो इसके लिए आपको स्टेटमेंट्स भी लिखनी पड़ेंगी अकॉर्डिंग टू पेपर स्टाइल. दैट इज सिंस 225 इज ग्रेटर देन 135 देन वी अप्लाई इक्विलेट्स डिवीजन लेमा. सो व्हाट इज इक्विलेट डिवीजन लेमा, दैट इज ए इज इक्वल टू वी क्यू प्लस आर. ये आपको डिटेल में कल बता चुकी हूँ, अगर आप देखना चाहें तो आप देख सकते हैं लास्ट वीडियो. दैट इज ए इज डिविडेंड एंड दिस इज डिवीजन, दिस इज क्वोशेंट प्लस रिमाइंडर. ठीक है, अब इसके अकॉर्डिंग दिस इज डिविडेंड. 225 is dividend, 135 is divisor. अब हम इनको divide कर लेते हैं, side wise ये rough work है, यहाँ पे आपको करने की ज़रूरत नहीं है. 135 से हम इसको divide करेंगे, 1 से जाएगा 135. यहाँ पे हम इसको divide करेंगे, 1 से जा रहा है 090, यहाँ पे 0 मैंने लिख दिया है, यहाँ पे आपके पास 90 आपका remainder बच गया. तो multiply by 1 plus 90. So this is your first step. एंड जो आपका रिमाइंडर है यहाँ पे जीरो नहीं आ रहा है, तो हमें ये स्टेप जो है ये जो एल्गोरिथम कर रहे हैं ये हमें तब तक करनी है जब तक आपका रिमाइंडर जो है वो जीरो नहीं आ जाता. तो अभी यहाँ जीरो नहीं आया है तो हम इसका स्टार्ट स्टेप टू करेंगे. दिस इज स्टेप वन. नाउ स्टेप टू, जो हमारा डिविजर आया वो चेंज हो जाएगा डिविडेंड में और रिमाइंडर आपका चेंज हो जाएगा डिविजर के लिए. तो ये जो प्रोसेस है आपकी वो कंटिन्यू रहती है. और यहाँ पे आपके पास स्टेप में हम लिखेंगे क्या, सिंस 90 आपके पास रिमाइंडर आया तो 90 इज नॉट इक्वल टू जीरो, ये आपका रिमाइंडर जीरो नहीं आया. सो वी अप्लाई इक्विलेट्स डिवीजन लेमा एंड गेट. अब हम साइड वाइज ये रफ वर्क है आपका यहाँ नहीं करना है, आपको पहले बता चुकी हूँ. तो 135 इज नाउ योर डिविडेंड एंड 90 इज डिविजर. तो ये भी 1 से होगा 90 एंड यहाँ पे आपके पास आ जाएगा 45 रिमाइंडर. तो अकॉर्डिंग टू इक्लिड्स डिवीजन लेमा हम इसको लिख सकते हैं, ए इज ए यहाँ पे होता है तो ये डिविडेंड होता है, दैट इज 135 is equal to 90 multiplied by quotient that is 1 plus remainder that is 45. अब यहाँ पे भी हमारा 45 नहीं आ रहा है, so we have to proceed to step 3. फिर हम अगेन ये लिखेंगे since 45 is not equal to 0 that means remainder is not equal to 0, so we apply
इक्विलेट्स डिवीजन लेमा, दैट इज अब हम 90 को डिवाइड कर रहे हैं 45 से। जैसे आपको पता है कि हमारा डिवीजर जो डिविडेंड हो जाता है और जो रिमाइंडर बचता है वो डिवीजर हो जाता है, ठीक है। सो वन से सॉरी टू से 40, यहाँ पे 90 और यहाँ पे 0, अब हमारा रिमाइंडर 0 आ गया। अब 90 को हम लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू इक्विलेट्स डिवीजन लेमा, दैट इज 90 इज इक्वल टू 45 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 0। नाउ 0 जब आ जाता है तो हमें पता है कि हमने यहाँ पे हमारा प्रोसीजर स्टॉप हो जाता है, जो हमारा यहाँ पे डिवीजर होता है वो बन जाता है हमारा एच सी एफ। सो हमारा लास्ट स्टेप होगा, सिंस रिमाइंडर हैज बिकम 0, सो आवर प्रोसीजर स्टॉप्स therefore HCF of 135 and 225 is equal to 45, that is our answer, ठीक है। 45 is our answer। तो ये आपको होप समझ आ गया होगा, हमने ऐसे एग्जाम्पल किए हुए हैं तो आपको ये इजी रहेगा, सिर्फ क्वेश्चन आपको सॉल्व करवा दूँ कि आपका ये क्वेश्चन है फर्स्ट, ठीक है। So now the next question is, you have to find the HCF of 196 and 38,220, ठीक है। So यहाँ पे हम सबसे पहला स्टेप, जैसे हमें पीछे आपने देखा क्वेश्चन में, तो पहला स्टेप हमारा ये है, हम इन दोनों में से देखेंगे कि इनमें से ग्रेटर कौन है। तो आपको दिख रहा होगा कौन सा बड़ा है, तो जो ग्रेटर होता है वो हमारा बन जाता है डिविडेंड और जो स्मॉलर नंबर होता है वो हमारा बन जाता है डिविजर। तो यहाँ पे अगर हम इसको सॉल्व करें, 38,220, 196 है, तो फर्स्टली ये डिवाइड करना तो आपको आता ही होगा, वैसे कर लेंगे आप। यहाँ पे 6, यहाँ पे 8, 1, 2 नीचे, ये 9 से 1764, यहाँ पे आ गया आप आपके पास 980 नीचे, और ये 5 से 980, दैट इज 0। तो हमारा एक ही स्टेप में ये सारा सॉल्व हो गया, इसलिए रिमाइंडर जो है वो यहाँ पे आपके पास क्वोशेंट आपके पास आ गया 195, रिमाइंडर आपका 0 आ गया। तो ये हमारा एक ही में ही एक स्टेप इसमें यूज हुआ और ये सारा सॉल्व हो गया। सिंस रिमाइंडर हैज बिकम 0, सो आवर प्रोसीजर जो हम स्टॉप्स एंड एच सी एफ ऑफ दिस दिस टू नंबर्स पॉजिटिव नंबर्स इज 196, दैट इज आवर आंसर, ठीक है। नाउ द लास्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 3, दैट इज यू हैव टू फाइंड एच सी एफ ऑफ 867 एंड 255। अब जैसे हमने पीछे प्रोसीजर आपने किया फाइंड आउट करने के लिए एच सी एफ, वैसे ही हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, ये आपको होमवर्क दिया जाता है, आप इसको सॉल्व करके कमेंट में इसका आंसर जरूर करें। अगर आपको नहीं आता है फिर भी आप बताएं। थैंक यू, आज के लिए इतना ही। एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ में बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि आपको डेली अपडेट मिलता रहे और आप अच्छे से अच्छे समझ पाएँ। थैंक यू।